चलो भैया, टीम इंडिया का हेड कोच बनने के बाद गौतम गंभीर की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। श्रीलंका की उड़ान भरने से पहले गंभीर ने भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उम्मीद के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर से कई सुलगते सवाल पूछे गए, जिसका जवाब उन्होंने बेबाकी से दिया। उन्हीं सवालों में से एक सवाल विराट कोहली के साथ उनके रिश्ते को लेकर भी जुड़ा रहा। गंभीर ने विराट के साथ अपने रिलेशनशिप पर पूछे उस सवाल का भी खूब जवाब दिया। तो आइए जानते हैं गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पांच बड़ी बातें। सबसे पहली बात, विराट के साथ रिश्ते पर खुलकर बोल गए गौतम गंभीर। विराट कोहली के साथ रिश्ते को लेकर गौतम गंभीर ने कहा कि उन दोनों के बीच शानदार रिलेशनशिप है। गंभीर के मुताबिक विराट के साथ उनकी मैसेज में बात होती रहती है। गंभीर ने कहा कि टीम इंडिया की बेहतरी के लिए उन दोनों से जो बनेगा वो करेंगे, ताकि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व करने का मौका मिले। दूसरी बात, वनडे में रोहित विराट के भविष्य पर बोल गए गौतम गंभीर। गंभीर ने रोहित विराट के वनडे क्रिकेट में भविष्य पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि फिलहाल उन दोनों में काफ़ी क्रिकेट बची है, दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है और फिर 2027 का वनडे वर्ल्ड कप है, जहां रोहित विराट की भूमिका अहम हो सकती है। जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड पर गंभीर क्या बोले? गंभीर ने बुमराह के वर्कलोड को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि एक तेज़ गेंदबाज का वर्कलोड मैनेज करना काफ़ी महत्वपूर्ण काम है। बुमराह हमारे सबसे अहम गेंदबाज हैं, उनके जैसा गेंदबाज सौ हज़ारों में एक होता है, इसके लिए उनके वर्कलोड को बेहतर ढंग से मैनेज करना हमारी जिम्मेदारी है। ड्रेसिंग रूम के माहौल के बारे में क्या बोले गंभीर? गौतम गंभीर ने कहा कि उन्हें एक सक्सेसफुल टीम मिली है जो मौजूदा वक्त में T20 चैंपियन है। ऐसे में उनका काम सिर्फ ड्रेसिंग रूम के माहौल को शानदार बनाए रखने और खिलाड़ियों को खुश रखने का है। गंभीर ने कहा कि उनके मुताबिक टीम की जीत का फॉर्मूला ड्रेसिंग रूम के माहौल पर निर्भर करता है। आखिरी बात में रविंद्र जडेजा को लेकर गौतम गंभीर ने दी बड़ी अपडेट। गौतम गंभीर ने रविंद्र जडेजा को श्रीलंका दौरे पर जगह नहीं मिलने पर कहा कि आगे टेस्ट सीरीज़ है, जहां उनकी भूमिका अहम होगी। आने वाली टेस्ट सीरीज से टीम में जडेजा की वापसी होती दिखी। यानी कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने सारे बड़े मुद्दों पर बातचीत की। हार्दिक पांड्या के कप्तान न बनाने पर, रविंद्र जडेजा को ODI में मौका ना देने पर, संजू रुतुराज और अभिषेक शर्मा को प्रॉपरली मौके ना देने पर, शमी की वापसी पर, साथ ही साथ रोहित विराट के फ्यूचर पर और जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट पर, हर सवाल पर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने खुलकर जवाब दिया। अब ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, स्पेशली जहां पर गौतम गंभीर मौजूद होंगे, वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप खुल के सवाल भी पूछ सकते हो, क्योंकि गौतम गंभीर हर सवाल का जवाब बेबाकी से देते हैं और उनके लिए ये चीज़ नहीं रहेगी कि भाई वो कोई सवाल का जवाब घुमा फिरा कर देंगे या फिर वो कोई सवाल को स्किप कर देंगे। जिस तरह से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया, उससे साफ जाहिर हुआ कि भाई गौतम गंभीर मीडिया के हर तरह के सवालों के लिए तैयार हैं।